हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो रिलायंस में आप लोग जानते हैं रिलायंस कंपनी के बहुत सारे जो कि डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप रिलायंस में, यहाँ पे जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में किस तरह से आप जॉब पा सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके साथ साथ क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपको मैं देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट इस पेज में आना होगा। इस पेज में आने के लिए मैं इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ पर जाके इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आपको यही पेज में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिलायंस के बारे में लिखा हुआ है कि रिलायंस के क्या क्या है, कौन कौन प्रोडक्ट है, सब कुछ उसके यहाँ पे जो कि इसमें आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे करियर ऑप्शन जो कि है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। करियर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थ्री ऑप्शन यहाँ पे चलाया है, वर्किंग एट RIL जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, मीट आवर पीपल, अप्लाई नाउ। तो दोस्तों, आपको अप्लाई नाउ में जो आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन डिपार्टमेंट में क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है रिसेंटली। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट जो डिपार्टमेंट आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका आप अप्लाई कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पे रिलायंस रिटेल लिमिटेड के ये आया है डिपार्टमेंट आया है, उसके साथ साथ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जो कि यहाँ पे आया जियो के लिए। तो दोस्तों, मैं वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कौन सा डिपार्टमेंट में किस तरह से अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, मैं पहले बात कर लेता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। तो इसके लिए आपको इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसका जो पेज है यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो जॉब है आप लोग यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो इसके अलावा आप लिंकेड में जाके भी इसका जो जॉब है आपको वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन जो कि है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, जो जो जॉब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चला आया। तो जो कि यहाँ पे फर्स्ट जो जॉब है और जॉब टाइटल है पैनल ऑफिसर फंक्शनल एरिया मैन्युफैक्चरिंग, लोकेशन है जामनगर, पोस्ट है 5th अक्टूबर 2018। सेकेंड जो पोस्ट है क्रेन एग्जीक्यूटिव DTA कोकार, फंक्शनल एरिया जो कि है मैन्युफैक्चरिंग, लोकेशन है जामनगर, पोस्टेड ऑन 5th अक्टूबर 2018। इसके अलावा बहुत सारे और भी जॉब है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया के पास कोई भी जॉब निकला है, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको कोई भी काम यहाँ पे मिल जाए, तो आप उसमें क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना होगा। उस पर ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे और एक पेज जो कि आएगा यहाँ पे, इस पेज में आप लोगों को यहाँ पे जॉब का डिटेल जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आपको यहाँ पे आपको जो कि पोस्ट है यहाँ पे क्रेन एग्जीक्यूटिव DTA कोकार। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जस्ट मैं यूँ ही आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको क्वालिफिकेशन, स्किल, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस, रिक्रूटमेंट, आपका जो एजुकेशनल रिक्रूटमेंट है, आप लोग यहाँ पे सब कुछ आपका जो डिटेल्स है इस पोस्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए आपको BSc BCom ITI विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन क्रेन और कॉन्वेयर ऑपरेशन, आप लोग यहाँ पे आपके पास अगर इस तरह से क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ जो कि है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो कि अगर आप पहली बार यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर जो कि है आपको रजिस्टर फॉर्म फिलअप करना होगा। रजिस्टर फॉर्म में आपको क्या क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कॉन्फर्म पासवर्ड, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, यहाँ पे सब कुछ देना होगा। उसके बाद आपको जो कि कन्फर्म करना होगा, उसके बाद आपका एक रिज्यूम सबमिट करना होगा। रिज्यूम सबमिट करने के बाद
अगर आपका रिज्यूम यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होता है तो उसके बाद आपका एक कॉल या जो कि ईमेल आएगा फॉर द इंटरव्यू, तो उसके बाद अगर इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो तो इस तरह से आप इस जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी दूसरा जॉब जो कि दूसरा डिपार्टमेंट के लिए मैं आप लोगों को बात करूँगा, जो कि है रिलायंस रिटेल रिटेल जॉब के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो मेन पेज में चला है बाय मिस्टेक, तो मैं उस पेज में जाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप उसके बाद जो कि यहाँ पे है रिटेल स्टोर फॉर रिलायंस रिटेलर, तो इसके लिए आपको भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर नाम पे जो कि आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक पेज जो कि आएगा उस पेज को आपको फिलअप करना होगा। दोस्तों यहाँ पे और एक पेज जो कि सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, आपका नाम डिटेल्स फ़ोन नंबर, इसके साथ साथ आपका जो रिसेंट रिज्यूम है आपको वो भी डालना होगा, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि फ़ास्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक यूज़र आईडी देना होगा, उसके बाद ईमेल आईडी, पासवर्ड, कॉन्फर्म पासवर्ड, इसके साथ साथ आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, स्टेट, सिटी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना होगा, आपके कौन सा कोर्स है आपको देना, आपको वो भी देना होगा। वर्किंग एक्सपीरियंस आपको अगर है आपके पास आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आपको यहाँ पे फ्रेशर जो ऑप्शन है आप वहाँ पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों इसके बाद आपको नीचे जो कि आएगा ये रिज्यूम या सीवी, आपको यहाँ पे आपका रिज्यूम या सीवी आपको यहाँ पे देना होगा, उसको दे के सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने के बाद वो सेम आपको अगर आपका जो एप्लीकेशन है अगर शॉर्टलिस्टेड होता है तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जियो के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं फॉर द रिलायंस जियो के लिए। तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, आपको करियर ऑप्शन में आपको आना होगा, उसकी पेज में आने के बाद आपको न्यू यूज़र में आपको क्लिक करना होगा फॉर द, अगर आप न्यू यूज़र है आपको उसको क्लिक करना, उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कॉन्फर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, फ़ोन नंबर सब कुछ देने के बाद आपको कन्फर्म होगा, उसके बाद आपको फिर से रिज्यूम आपको अपलोड सबमिट करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते फॉर दिस पोस्ट। तो दोस्तों इस तरह से आप रिलायंस के बहुत सारे जो कि डिपार्टमेंट है उस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।